हे गाइस, जो साउथ इंडियन खाने के शौकीन हैं उन्हें आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, रसम और बड़े की। तो यहाँ पर हम पहले बड़े बनाएंगे। मैंने एक कटोरी उड़द की दाल को 4-5 घंटे पहले भिगा दिया था। इसका पानी निकाल लेंगे, मिक्सी में डालेंगे, एक आइस क्यूब डाला है और इसको पीस लेंगे, जिससे कि ये काफ़ी एयरी हो जाएगा और इसका कलर है वो भी वाइट रहेगा। अब चम्मच की सहायता से या फिर हाथों से इसे 7 से 8 मिनट के लिए लगातार फेंट ले, जिससे कि काफ़ी ये हल्का हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। अब इसमें मिलाएंगे हरी मिर्च, नमक, कसूरी मेथी, अगर आपके पास धनिया है तो धनिया मिला दें और इसे मिक्स कर लें। अब तेल गरम करेंगे और इसमें हम बड़ों को हल्का सुनहरा होने तक तल लेंगे और इसके बाद इसे निकाल देंगे हम एक प्लेट में। और इसके बाद हम रसम बनाने की तैयारी करेंगे। रसम बनाने के लिए 4 टमाटर को हम पानी में उबाल लेंगे और इसके बाद इमली को मैंने भिगो के रखा था उसमें थोड़ा पानी डाल के मैश कर लेंगे और इसको हम छान लेंगे। टमाटर ठंडे हो गए हैं तो इसका हम छिलका निकाल लेंगे और इसको डालेंगे मिक्सी में। साथ में डाल देंगे एक बड़ा प्याज, अदरक डालेंगे, कुछ कलियां लहसुन की डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा, एक हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता डालेंगे। और रसम चटपटी होती है तो आप इसमें मिर्ची ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इसका पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में लेंगे तेल, इसमें डालेंगे काली सरसों, एक चम्मच उड़द दाल, हींग, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और टमाटर और प्याज का पेस्ट है इसको डाल देंगे। इन्हें हमें अच्छी तरीके से पकाना है क्योंकि प्याज कच्चे हैं और अगर इन्हें हम अच्छी तरीके से नहीं पकाएंगे तो रसम में प्याज के कच्चेपन का टेस्ट आएगा। तो मसाले पक चुके हैं, अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, भुना जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच सांभर मसाला, अगर आपके पास रसम मसाला है तो वो डाल सकते हैं, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें डालेंगे इमली का पानी जिसको हमने छान लिया था और मसालों के साथ मिक्स करके बस कुछ सेकंड के लिए उबाल लेंगे। और इसके बाद आधा कटोरी तुअर की दाल, जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, नमक डाल के इसमें 2 सीटी लगा ली थी, इसको हम डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि जो रसम होती है वो पतली होती है सांभर की तुलना में और इसे सूप की तरह खाने से पहले सर्व किया जाता है। आप इसे पापड़ के साथ या फिर बड़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बस इसे 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए हमारी रसम पक चुकी है। अब आप ऊपर से धनिया पत्ती या कसूरी मेथी से इसे गार्निश कर दें और देखिए हमारी रसम तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनी थी, बिल्कुल मद्रास होटल की जैसी। और हमारे जो बड़े हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट स्पंजी बने हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक बड़ा, देखिए कितना अच्छा बना है। अंदर से इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही सॉफ्ट हमारे बड़े तैयार हुए हैं। अब रसम को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे बड़ों को। और बहुत ही आसान रेसिपी है, गर्मियों में कुछ चटपटा खट्टा खाने का मन करता है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ी आवाज़ मेरी ख़राब है क्योंकि मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।